बड़ी खबर ब्रेक न्यूज सामने आ चुकी। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि 1 अगस्त को रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन, केंद्र भेजेगी सहयोगी टीमें। तो दोस्तों पूरी जानकारी वीडियो में मिलेंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों वीडियो फिर को नहीं तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल टेक अपने हिंदू को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे लाल बटन को सब्सक्राइब करने के लिए क्या जी पास ही बेल आइकन को दबा दीजिए। और दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो कौन से जिले में राज्य से देख रहे हैं, ताकि मैं आपके जिले व राज्य को रोजाना ऐसी ही नई से नई जानकारी आपको दे सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हाल के दिनों में देश में कोविड की स्थिति में बहुत सुधार देखा गया है, मगर कुछ राज्यों में कोविड की स्थिति खराब ही होती जा रही है। इन राज्यों में सबसे बुरी स्थिति केरल राज्य की है, जहां पर कोविड के केसेस में सुधार होने का नाम ही नहीं ले रहा है। स्थिति को देखते हुए सरकार ने आगामी 31 जुलाई और 1 अगस्त को केरल राज्य में पूर्ण रूप से तालाबंदी करने की घोषणा की है। संपूर्ण लॉकडाउन का उद्देश्य कोविड के चेन को तोड़ना है। इसके साथ ही केरल में कोविड की विकट होती स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार भी अब प्रत्यक्ष रूप से मैदान में आ गया है। इसके तहत केंद्र सरकार राज्य में सहयोगी टीम को भेजने का फैसला किया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको बता दें कि यह टीम केरल के कोविड नियंत्रण अभियान में सहयोग करेगी। इसके बारे में बता करते हैं कि हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनमुख मंडाविया ने कहा है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक की अध्यक्षता में 1-6 सदस्यीय टीम केरल में भेज रही है, क्योंकि केरल में अभी भी बड़ी संख्या में कोविड के मामले सामने आ रहे हैं। इसलिए यह टीम कोविड 19 प्रतिबंधन में राज्य के चल रहे प्रयासों में सहायता करेगी। ज्ञात हो कि केरल उन प्रथम राज्यों में से एक था जिसने कोविड की स्थिति में सुधार के बाद लॉकडाउन में ढील ली थी, मगर कोविड की दूसरी लहर में पूरे देश के साथ केरल में ही कोहराम मचा था। हालांकि अब देश के ज़्यादातर हिस्सों में कोविड की तीसरी लहर में सुधार देखा जा रहा है, मगर केरल में लगातार केसेस बढ़े जा रहे हैं। वर्तमान में देश के कुल एक्टिव केसेस 4,03,840 में से अकेले केरल में ही 1/4 से ज़्यादा केसेस दर्ज हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। रोजाना ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टेक अपने हिंदू को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो कौन से जिले व किस राज्य से देख रहे हैं, ताकि मैं आपके जिले व राज्य की रोजाना ऐसी ही नई नई जानकारी आपको दे सकें। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन अति शुभ हो।